वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप लोग जानते हैं कि भगवान श्री राम की मृत्यु का कारण क्या था? आप लोगों ने रामायण में पढ़ा भी होगा और रामायण भी देखी होगी, लेकिन आपने कभी ये सोचा कि प्रथम भगवान श्री लक्ष्मण की मृत्यु के उपरांत श्री राम जी की मृत्यु क्यों हुई और क्या कारण है और क्या रहस्य? आज इसे कथा के माध्यम से आप लोगों के समक्ष रखेंगे प्रजापति महाराज। तो ध्यान लगाए रखें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण कथा हमारे श्री राम जी के बारे में है कि हमारे श्री राम जी का जो जन्म हुआ है इस पृथ्वी लोक पर, मृत्यु तो निश्चित है। भगवान श्री राम 11,000 साल बीत चुके थे उनके उम्र के, उसके उपरांत काल आए। काल ने एक साधु का रूप धारण किया और श्री राम जी से कहा कि अपने द्वार पे एक द्वारपाल बैठा दो, जो हमारी बातें कोई और तीसरा आदमी ना सुन सके। अगर ऐसा हुआ तो आप उसे मृत्यु दंड देंगे। काल तो काल ही है। जब अंदर काल ने अपना असली स्वरूप दिखाया और कहा कि हे प्रभु, हे विष्णु, आप इस संसार में राम के नाम का स्मरण करते हुए, राम के नाम से आपका जन्म हुआ था, 11,000 साल बीत चुके हैं, अब आपका वैकुंठ धाम जाने का वक्त हो चुका है, मैं यह याद कराने आपको आया हूं। इतनी ही बात करते ही द्वार पर दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं और लक्ष्मण से कहते हैं, मुझे श्री राम से मिलना है। और लक्ष्मण कहते हैं, अभी आप उनसे नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि उनसे अन्य ऋषि मुलाकात कर रहे हैं, इसलिए आप उनसे नहीं मिल सकते हैं। गुरु दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, लक्ष्मण, तुम मेरी शक्तियों को पहचानते नहीं हो, क्या मैं तुम्हारी अयोध्या को नष्ट कर दूं? लक्ष्मण जी ने सोचा कि अयोध्या नष्ट होने से अच्छा है कि मेरा जीवन ही नष्ट हो जाए, और यह बात लेकर भगवान श्री राम के पास जाते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, आपसे मिलने दुर्वासा ऋषि आए हैं। इतनी बात कहते ही काल वहां से गायब हो जाते हैं और कहते हैं, इसे अपने वचन के मुताबिक आपको मृत्यु दंड देना होगा। दुर्वासा ऋषि से श्री राम भगवान मिलते हैं। उसके बाद राज्य सभा लगाई जाती है, सारे मंत्रीगण आते हैं। और आप लोग जानते हैं कि राम भगवान को पुरुषोत्तम श्री राम क्यों कहा जाता है? क्योंकि भगवान एक बार वचन दे दे तो पीछे नहीं हटते, इसलिए श्री राम भगवान का नाम पुरुषोत्तम श्री राम भी है। अब भगवान ने वचन दिया था काल को कि जो भी हमारे बीच की वार्तालाप सुनेगा उसे मृत्यु दंड मिलेगा। राज्य सभा बिठाई गई और श्री राम को देश निकाला दिया गया।
उस जमाने में देश निकाले का मतलब था मृत्यु दंड। लक्ष्मण जी सरजू नदी में जाकर समा जाते हैं। उसके उपरांत भगवान श्री राम भी अपना देह त्याग देते हैं सरजू नदी में। पूरा जीवन पुरुषोत्तम श्री राम के नाम, उन्होंने अपने नाम के आगे कलंक नहीं लगने दिया। जीवन में ठाट से जिए और कोई गलत कार्य नहीं किया, इसीलिए उनका नाम पुरुषोत्तम श्री राम पड़ा। और लक्ष्मण जी आप लोग जानते ही हैं कि शेषनाग का अवतार थे, और शेषनाग लक्ष्मण जी के साथ विष्णु भगवान के साथ ही रहते हैं। प्रथम लक्ष्मण जी यह देह त्याग कर वैकुंठ धाम को जाते हैं, उसके उपरांत श्री राम जी इस दुनिया को त्याग देते हैं।